अज़्म शाकरी साहब की शायरी जिस मेयार की है, जिस अंदाज की है, वो मैं पहले आपको बता दूं कि अज़्म शाकरी साहब की शायरी जो पूरी तरीके से रवायती शायरी है, हमारी कबील का ऐसा मोहतरम नाम। मैं चाहता हूं कि अज़्म शाकरी साहब बगैर किसी तरह और आज की सदारत इस मुशायरे की वो आए माइक पर, और मैं उन्हीं के दो दो शेर से मैं उन्हें ज़हमत कलाम दे रहा हूं कि लहू आंखों में आके जम गया है, लहू आंखों में आकर जम गया है, ये दरिया बहते बहते थम गया है, और ये आंखें फिर बरसना चाहती हैं, अभी बरसात का मौसम गया है। हमारे कबील का वो अजीम शायर जिसे दुनिया अज़्म शाकरी के नाम से जानती है, ये चाहता हूं कि अज़्म शाकरी साहब का सलाम किया जाए बुलंदी से। मैं अज़्म भाई एक मिनट प्लीज, मैं चाहता हूं कि आज के इस मुशायरे की सदारत हमारे नेता, हमारे बड़े भाई एक्स विधायक लालजी यादव साहब कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप देश और दुनिया के वो शायर हैं कि शायद ही आपको पास वक्त होता है कि आप ऐसे छोटे मोटे मुशायरे को अटेंड करें, लेकिन आज आपने वक्त दिया है, तो मैं चाहता हूं कि एक हार के साथ विधायक जी आपका इस्तकबाल करें। एक्स विधायक लालजी यादव साहब एक गुलपोशी करेंगे अज़्म शाकरी साहब का, क्योंकि इस मुशायरे के बाद विधायक जी उनको यहां से निकलना है, तो मैं चाहता हूं कि वो इस्तकबाल का प्रोग्राम विधायक जी के हाथों से। माइक पर आलिम शोहरत का अपना शायर, आपके महबूब शायर जनाब अज़्म शाकरी, एक जोरदार तालियों के साथ विधायक जी फोटो लिया आपका, विधायक जी प्लीज एक जोरदार तालियां। विधायक जी ने इस्तकबाल किया हमारे दोस्त अज़्म शाकरी साहब का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। सुने हजरत, माइक पर आपके महबूब भाई शमीम साहब जनाब अज़्म शाकरी। तो मैं विधायक जी आपकी इजाजत चाहता हूं, आप मुझे कुछ इजाजत दे सुनाने के लिए। बेसबब तो नहीं ये घर में उजाले हुए हैं, बेसबब तो नहीं ये घर में उजाले हुए हैं, ख्वाब तेरे मेरी आंखों को संभाले हुए हैं, ख्वाब तेरे मेरी आंखों को संभाले हुए हैं, कोई करता नहीं। प्लीज बैठ जाए भाई भाई। बेसबब तो नहीं ये घर में उजाले हुए हैं, ख्वाब तेरे मेरी आंखों को संभाले हुए हैं, कोई करता नहीं दुनिया में हमारा इकराम, कोई करता नहीं दुनिया में हमारा इकराम, हम किसी घर से नहीं दिल से निकाले हुए हैं, हम किसी घर से नहीं दिल से निकाले हुए हैं, कैसे आसेब भला कैसी ये वहशत ज़दा रात, कैसे आसेब भला कैसी ये वहशत ज़दा रात, हम तेरे नाम का तावीज जो डाले हुए हैं, हम तेरे नाम का तावीज जो डाले हुए हैं। दोस्तों दो तीन शेर अभी बात चल रही थी, तो ये हमारे डॉक्टर मुमताज, आज मैं नाम उनका सही ले रहा हूँ, डॉक्टर मुमताज भाई तो वो आज बड़ा खूबसूरत चश्मा लगाए हुए थे, तो मेरे जहन में वो एक मतला एक लगाए हुए हैं, वो चश्मा उन्हीं का है ना, जरा पूछिएगा उनसे आप, क्योंकि किसी ने कहा था वो ख्वातीन का चश्मा है। सुबह दम सब दरख्तों पे टहलती हुई धूप, सुबह दम सब दरख्तों पे टहलती हुई धूप, गुनगुनी लगती है सर्दी में निकलती हुई धूप, गुनगुनी लगती है सर्दी में निकलती हुई धूप, अपनी आंखों पे लगाए हुए काला चश्मा, अपनी आंखों पे लगाए हुए काला चश्मा, हमने देखी है अभी घर से निकलती हुई धूप, अपनी आंखों पे लगाए हुए काला चश्मा, हमने देखी है अभी घर से निकलती हुई धूप, हमने देखी है घर जब आता हूँ तो कांधों पे उठा लाता हूँ, घर जब आता हूँ तो कांधों पे उठा लाता हूँ, वो थकी हारी दरोबाम से ढलती हुई धूप, वो थकी हारी दरोबाम से ढलती हुई धूप। अब आप लोग मूड में आ गए तो मैं कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ तरन्नुम से। हमारे ख्वाब थे वो बुन रहे
रही थी हमारे ख्वाब थे वो बुन रही थी अंधेरी रात तारे चुन रही थी अंधेरी रात तारे क्या कहने चुन रही थी मैं आंखों से बयां गम कर रहा था मैं आंखों से बयां गम कर रहा था मैं आंखों से बयां गम कर रहा था वो आंखों ही से बैठी सुन रही अरे बाबा वो आंखों ही से बैठी सुन रही थी कहीं फूलों को तोड़ा जा रहा था कहीं फूलों को तोड़ा जा रहा था कहीं फूलों को पत्थर के भी नहीं अब तो दिल की तो बात अलग है कहीं हमारे ख्वाब थे वो बुन रही थी कहीं फूलों को तोड़ा जा रहा था कहीं बादे सबा सर धुन रही कहीं बादे एक गजल मुझे याद आ रही है बहुत पुरानी है लेकिन वो मैंने पढ़ी नहीं आप लोगों ने सुनी नहीं है जुदा पलकों से गौहर हो गए हैं जुदा पलकों से गौहर हो गए हैं जुदा पलकों से गौहर हो गए हैं फरिश्ते घर से बेघर हो हाय भाई भाई क्या फरिश्ते घर से बेघर हो गए हैं जुदा पलकों से गौहर हो गए हैं यहाँ अब मूरतें सच बोलती हैं शर्त नहीं यहाँ मूरतें सब लोग शरीक हो जाएं जुदा पलकों से गौहर हो गए हैं यहाँ मूरतें सच बोलती हैं मगर इंसान पत्थर हो गए अरे जिंदाबाद जिंदाबाद मगर आज़म शाकरी सारे लोग ताली बजा दें अगर अगर आप दाद नहीं देंगे तो इशारा नहीं चलेगा क्या अलामत शेर पड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद खूबसूरत सच बोलती हैं मगर इंसान पत्थर हो गए हैं मगर इंसान पत्थर और शेर मुराजा फरमाए इरशाद आली हमतन दोष सुनिएगा कहीं तलवार के बल पर है सब कुछ कहीं तलवार के बल पर है सब कुछ सुन ले भाई प्लीज कहीं तलवार के बल पर है सब कुछ कहीं तलवार के बल पर है सब कुछ कहीं आंसू ही खंजर हो गए कहीं आंसू ही खंजर हो गए कहीं आंसू ही खंजर हो गए हैं और ये शेर सुने और दोस्तों ये शेर मैं तो यही कहूंगा कि
कि ये हमारी कौम का मर्सिया है। बिल्कुल, मैं ये शेर पेश कर रहा हूँ आपको, सुने। परिंदे फिक्र के अब क्या उड़ेंगे, परिंदे फिक्र के अब क्या उड़ेंगे, परिंदे फिक्र के अब क्या उड़ेंगे, हमारे जहन बंजर हो गए, हमारे जहन बंजर हमारे जहन बंजर हो गए हैं, जुदा पलकों से गौहर हो गए हैं। एक गजल और सुने, मुलाजा फरमाए जी। आए आए आए, क्या रऊफ आ गए हैं बासी में, क्या रऊफ आ गए हैं बासी में, क्या रऊफ आ गए हैं बासी में, जिंदगी आ गई उदासी में, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, जिंदगी आ गई उदासी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक गजल सुनाना चाहता हूँ, सुन लें। थोड़ी सी जरा सा इसमें लफ्ज हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, मैं अगर मेरे सब लोगों के पास पहुंच जाएंगे ये। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, पहले आंखों में बसे, पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, प्यास में जिंदा रहे शराब होकर मर गए, पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब हो, क्या कहने क्या कहने, बप्पा बप्पा बहुत अच्छे, शुक्रिया। पहले मैं कर रहा हूं दोबारा, पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, प्यास में जिंदा रहे शराब हो कर मर गए, पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, उनको उनकी सर्द मेहरी ने नहीं जीने दिया, उनको उनकी सर्द मेहरी ने नहीं जीने दिया, और एक थे कि जो बेताब हो कर मर गए, आए हाय 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 हाय, अरे क्या शेर है, बेताब हो कर मर गए, पहले अच्छा है बसे फिर ख्वाब, बहुत शुक्रिया। तीरा बख्तों को चलो तीरा शबी ने डस लिया, है है। तीरा बख्तों को चलो तीरा, भाई प्लीज आप यार मुस्तकिल अगर मशारा करते रहेंगे तब तो हो गया मशारा। तीरा बख्तों को चलो तीरा शबी ने डस लिया, उनको क्या कहिए जो मेहताब हो कर मर गए, बहुत अच्छे बप्पा बप्पा बसे फिर ख्वाब, क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, पहले आंखों में बसे। और दोस्तों मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, शायद ये याद रह जाए, शमीम भाई बहुत हमेशा इनके इनकी मोहब्बतें और इनकी कर्म फरमाइयां हम पर रहती हैं। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब होकर मर गए, सुनिएगा शेर, खुद को सस्ता बेच कर वो
शमीम भाई सुने, कितने लोग आ जाएंगे आपकी आंखों में। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा, खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर बेच कर वो उम्र भर जिंदा रहा। हम शरीफ नफ्स थे नायाब हो कर मर गए। पहले बहुत हो बहुत हो फिर ख्वाब हो कर फिर बढ़िया बात है। खुद को सस्ता बेच कर वो उम्र भर जिंदा करती है। हम शरीफ नफ्स थे नायाब हो कर मर गए। पहले आंखों में बसे फिर ख्वाब हो कर मर गए। पहले आंखों में बसे। और दोस्तों आखिर में चलते चलते मैं एक गजल के तीन चार शेर और सुना देता हूं। तो आप लोगों पे आप लोग बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था। इश्क तो वो पहले पहल, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था। अब तो दिल टूटने की सदा ही नहीं, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं। और दोस्तों एक शेर मुलाजा फरमाए समाज फरमाए बतौर खास ये शेर। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग। लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं। और दोस्तों ये शेर समाज फरमाए, ये शेर खास तौर से ये रऊफ भाई का शेर है, असल में ये मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो ये जाहिर है कि इनकी मोहब्बतें पूरी घुली मिली हैं शेर में। तो ये शेर समाज फरमाए। आंख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा। जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं। और दोस्तों चलते चलते मैं आखिर में तीन शेर अपनी मर्जी से सुनाता हूँ, ये सुन लें और मुझे इजाजत दे दें, और जो भी कुछ कमी रह जाएगी वो इंशाल्लाह फिर कभी अगर मिलेंगे तो होगी पूरी। सुबह तक चाहतों के दिए आंधियों में जलाएगा कौन, सुबह तक चाहतों के दिए आंधियों में जलाएगा कौन। दास्तां खत्म होने को है अब मोहब्बत निभाएगा कौन, कहने क्या बात है बप्पा। दास्तां खत्म होने को है अब मोहब्बत निभाएगा कौन। और दोस्तों ये शेर सुने। होशियार
कहते हैं जादूगरनी को। दोस्तों मेरी तरफ तवज्जो दे, होशियारी से जादू दिखा ऐ नए दौर की साहरा, तू ही पत्थर अगर हो गई हमको इंसान बनाएगा कौन। क्या कहने क्या कहने असम भाई, क्या क्या शेर पढ़े। पत्थर अगर और दोस्तों ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, बतौर खास ये बता दूं कि मेरे एक दोस्त बेंगलोर में रहते थे, उन्हें जब हार्ट अटैक हुआ तो उनके बच्चों ने तीमारदारी करने से इनकार कर दिया, कहने लगे एक महीना हो गया इन्हें बीमार हुए, अब हम इन्हें कहां तक इनका ख्याल रखें। मैंने ये गजल कह रहा था तो मैंने ये शेर कहा। मुलाजा फरमाया बतौर दास्तां खत्म होने को है अब मोहब्बत निभाएगा कौन। अब ये शेर सुने, आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर है, 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 है। आंधियों से बचा कर रखो, आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाए। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, शजर ही अगर गिर। अजम भाई मैं एक दो मिनट खाली और लूंगा आपका। माइक पर जनाबे अजम शाकरी। वही जज्बे मोहब्बत, वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहां से लाए, वही जज्बे मोहब्बत डॉक्टर मुमताज शाह साहब। वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहां से लाए, वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहां से लाए, न वो चाहतों के मौसम न वो गेसुओं के साए। अरे क्या कहने बाबा, न वो चाहतों के मौसम, बहुत अच्छा मतलब माशाल्लाह, न वो गेसुओं के साए, न वो चाहतों के जज्बे मोहब्बत। अब ये शेर सुने, मुझे वसल से ज्यादा है अजीज हिजर तेरा। वसल मिलना और हिजर बिछड़ना, मुझे वसल से ज्यादा है अजीज हिजर तेरा, मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए, मेरा दिल ये चाहता है कि तू मुझसे रूठ जाए। ये है अजम शाकरी। हेलो, कोई अब कहां से लाए, न वो चाहतों के मौसम न वो गेसुओं के साए। और दोस्तों शेर सुने, थोड़ा सा अगर जी लगा ले तो मुझे भी मजा आ जाएगा यार। आप लोग मोबाइल में, सब मोबाइल में लगे सहरजदा है, मोबाइल रहते हैं यार। आपकी शायरी से थोड़ा सा सुन ले आजम भाई, सब लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपको, सब लोग लाइव पे रिकॉर्डिंग। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा साथ निभा दे तो बड़ा मजा आ जाएगा। वही जज्बे मोहब्बत कोई अब कहां से लाए। अब शेर सुने, मेरी आंख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, मेरी आंख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू, कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए। अरे बाबा, कोई इन मुसाफिर
अरे वाह 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 जरा रास्ता अरे वाह 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 क्या कर दे वही जज्बे मेरी आंख में मुसलसल जो भटक रहे हैं आंसू कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए। शायरी हो रही है और दोस्तों ये शेर भी समाज फरमाए बतौर खास इरशाद थोड़ा सा खास तो तवज्जो चाहता हूं। कोई इन मुसाफिरों को जरा रास्ता बताए। हमारे अध्यक्ष जी सुने इस प्रोग्राम के एमएलए साहब मुझे इन तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है मुझे इन तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है मुझे इन तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है मेरा उम्र भर का रोना कहीं रहेगा न जाए मेरा मेरा उम्र भर करो बहुत शुक्रिया। मुझे इन तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है अरे वाह वाह मुझे इन तसल्लियों से बड़ी चोट लग रही है मेरा उम्र भर करो ना कहीं रहेगा न जाए। और दोस्तों ये आखिरी शेर शायद आपको याद रह जाए। डॉक्टर साहब सुने हमारे शुएब भाई तशरीफ फरमा है सभी लोग यार ये हमारे बैठे हैं अब क्या कहा जाए एक एक लफ्ज इनका सुना हुआ है कहीं लेकिन ये शेर सुने मेरा उम्र भर करो ना कहीं रहेगा न जाए। सुने शेर मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए मुझे अपनी शक्ल देखे कई साल हो गए हैं कोई मेरा दोस्त आए मुझे आईना दिखाए है है कोई मेरा दोस्त जिंदाबाद 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 मुझे आईना दिखाए दिल आ गया देख कोई मेरा दोस्त आए। इसी लहजे में चार पांच शेर और हैं कोई मेरा दोस्त आए बड़ी सर्द है हवाएं शबे गम पिघल रही है। आपने मूड बना लिया तो आप सुनते रहो बड़ी सर्द है हवाएं शबे गम पिघल रही है वो धुआं सा उठ रहा है कोई शाख जल रही है वो धुआं सा उठ रहा है कोई शाख जल रही है बड़ी सर्द है हवाएं। दोस्तों अभी जो कोरोना गुजर के गया है हम लोग एक कयामत से गुजरे हैं और कभी कभी ये कैफियत भी हुई जो मैंने ये शेर कहा है वो सुने वो धुआं सा उठ रहा है कोई शाख जल रही है वो धुआं सा निसार भाई आप एक जगह बैठ जाए प्लीज वो धुआं सा उठ रहा है कोई शाख जल रही है। अब एमएलए साहब सुने ये शेर मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में मुझे बहाओ पानियों में मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है मेरा हाथ छू के देखो
मेरी नब्ज चल रही है। हमारी यही हालत है, क्या कहने, एक बात भी पढ़िए। मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। है हजार जख्म दिल में मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है बहुत। दोस्तों को मेरी, और आखिरी शेर दोस्तों सुने, मैंने पेड़ रोशनी, ये शेर मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार उन लोगों की नजर कर दो जिनकी शादी देर से होती है, तो ये शेर सुने खास तौर से। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए। मैंने पेड़ रोशनी जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए। वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है। क्या कहले बाबा बाबा, अरे रोशनी का इस प्यारा जवाब नहीं, बाबा बाबा। जनाब आजम शाकरी, हमारे दो अल्फाज कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त आजम शाकरी साहब के बारे में। जी, बहुत मसरूफ थे वो, उनके पास वक्त नहीं था, उन्हें किसी और प्रोग्राम में जाना था, लेकिन जब उन्हें हमने कहा कि हमारे दोस्त दबिस्तान उर्दू मुंबई का जन्मदिन है, योम पैदाइश का मौका है, तो उन्होंने कहा शमीम भाई मैं अपना हर वो पल और अपना हर वो वक्त मैं उस बीच में देना चाहता हूं, चाहे मैं 10 मिनट के लिए आऊं, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। तो मैं आज बांसी की जानिब से और खास करके मेरे दोस्तों की जानिब से, जो उन्होंने अपने दिल में हम लोगों के लिए और खास करके अब्दुल रऊफ चौधरी साहब के लिए जो दिल में जगह रखी, जो मोहब्बत है उनके दिल में हमारे दोस्तों के लिए, मैं अपने दोस्तों की जानिब से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक साल के साथ विधायक जी से फिर मैं तकलीफ दूंगा, एक साल के साथ उनका इस्तकबाल हमारे एक्स विधायक श्री लाल जी यादव साहब उनका करेंगे। आए सर स्टेज पे, विधायक जी सर और चेयरमैन साहब प्लीज आप भी जाएं सर, दोनों लोग मिलकर के उनका इस्तकबाल करते हैं। आप इस धरती के लाल हैं यहाँ से, और हमारे विधायक जी और चेयरमैन साहब प्लीज आप जाएं स्टेज पर। जनाब इदरीस पटवारी साहब, सर सब ठीक से नहीं हो रहा है, विधायक जी स्टेज पर जाइए, ऐसा जाइए चेयरमैन साहब, और एक हार भी, वो हार भी जो हाथ में विधायक जी के और चेयरमैन साहब के, दोनों लोग वो हार, सलीम सलीम हार देना, एक मिनट, हार हार वहां पर। मैं विधायक जी से दरख्वास्त करता हूं कि उन्हें अपने हाथों से वो हार भी पहना दें। उनकी 12:30 बजे की ट्रेन है बस्ती से, इसलिए उनको निकलना बहुत जरूरी है बागर भैया, लेकिन हम कितना भी शुक्रिया अदा करें तो अल्फाज नहीं हमारे पास। आज शाकरी साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शाकरी साहब।